Hey guys, welcome back to my channel. दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया इसलिए खास है कि अगर आप इसे कहीं पे भी इस मशीन को लगा के चलाते हैं, चाहे गांव शहर, तो ये आपको हर जगह प्रॉफिट कमा के देने वाली मशीन है। तो हमारे साथ आया अनीसा जी, जो कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगी कौन सी मशीन आपको लगानी है और ये मशीन किस हिसाब से वर्क करती है और आप इससे कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। तो हेलो अनीसा जी। हेलो सर। तो अपने बारे में थोड़ा हमें थोड़ा डिटेल दीजिए कि आप किस कंपनी में वर्क करती हैं और मशीन क्या है। सर, मेरी कंपनी का नाम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। मैं आज आपके सामने नॉन वुवन बैग मशीन की वीडियो लेकर आई हूँ। इस मशीन के साथ मैं आपको इस मशीन के बारे में भी बताऊंगी इस वीडियो में। इससे रिलेटेड जितनी भी डाउट्स होते हैं, जैसे आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं वीडियोस को देखकर, मशीन को देखकर, जैसे कि आपको डाउट्स आते हैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में हो गया, कस्टमर्स फीडबैक के बारे में हो गया, मशीन का क्या आपका डायमेंशन होता है, क्या एरिया होता है, क्या प्रॉफिट होता है, तो इन सब चीजों के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो स्किप कर दोगे तो वो चीजें आप नहीं उस चीज को आप समझ पाओगे या पूरी वीडियो को आपको नहीं अच्छे समझ आ पाएगा। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, मैं आपको पूरी मशीन के बारे में अच्छे से सारी चीजें, मशीन से रिलेटेड चीजें और इससे रिलेटेड जितने भी और बाकी डाउट्स होते हैं आपके मन में, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये बताइए अनीसा जी कि आपने यही बिजनेस क्यों चुना लोगों को देने के लिए, जैसे कि नॉन वुमन ही क्यों चुना, बहुत सारे बिजनेस है बट इसमें क्या एक्स्ट्रा मतलब है जो कि लोग यही बिजनेस करें। सर देखो, जैसे कि आपको भी पता होगा, बाकी सब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको पता होगा कि हमारे जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो भी बैन हो चुके हैं। तो प्लास्टिक के बैग्स के बैन होने के बाद जो है हमारे पास, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी हम छोटी सी चीज लेने के लिए जा रहे हो, चाहे बड़ी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, बैग्स की हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक के अगर बैग्स हमारे बैन हो चुके हैं, तो फिर हमारे पास जो नॉन वुवन बैग है, एक ये हमारे पास ऑप्शन रहता है और एक पेपर बैग का ऑप्शन रहता है। तो नॉन वुवन बैग्स क्या होते हैं, मोस्टली हर लोग यूज करते हैं, पेपर बैग का यूज करते हैं लोग, बट इतने नहीं करते जितना आपको नॉन वुवन बैग्स का यूज करते हैं। तो ये आप चाहे आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, आप किसी गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, किसी भी एरिया में रह रहे हो, आप इस बिजनेस को अगर करते हैं तो आपको प्रॉफिट का कोई भी आप उसमें डाउट नहीं कर सकते कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए ये मशीन और ये बिजनेस जो है वो बेस्ट है आपका। यहाँ से हमने ये इस तरह से रोल इसमें फिक्स किया है, ये रोल यहाँ से फिक्स करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे आगे आते हैं। तो ये हमारा फोल्डिंग यूनिट है, ये आप एरिया देख रहे हैं, हमारा पूरा यूनिट जो है इसको फोल्डिंग यूनिट बोलते हैं हम। अब ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, हमारा जो है वो साइड गजट है, आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा साइड गजट बन रहा है, साइड गजट का यूनिट। अब ये हमारा आता है डी कट पंचिंग यूनिट। अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे डी कट बैग बना रहे हैं, क्योंकि ये बी 700 की मशीन है, तो यहाँ पे ऑनलाइन डी कट होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन डी कट की पंचिंग यूनिट होती है। फिर ये हमारा यूनिट आता है सीलिंग यूनिट, ये हमारा सीलिंग यूनिट आता है यहाँ पे, जो ये बैग साइड से हमारे सील होते हैं, तो ये सिलाई में लगते हैं, इसको सीलिंग यूनिट बोलते हैं, ये इसके हेल्प से यहाँ पे सीलिंग का काम करता है। अब ये हमारा यहाँ पे फाइनली कटिंग यूनिट आता है, ये आप देख रहे हैं कटिंग यूनिट में आपके इतने बैग की आपके कट करके निकल गए आपके, ये आप बैग देख सकते हैं। ये हमारा इसका ये पैनल है जिसपे आपको ये सारी चीज़ें शो करती है कि आपका कितना जो है वो कितने पीसेस पर मिनट के अकॉर्डिंग बन रहा है, ये आपको कितना आपको काउंट हो रहा है, कितने कौन सा लेंथ है, किस साइज़ का बैग निकालना है, पूरे की सेटिंग आप इससे करते हैं। यहाँ से आपने ये एक स्विच ऑन किया, फिर उसके बाद आपने ये बटन प्रेस किया, आपका ये मशीन जो है वो ऑन हो जाता है। ये आप जैसे इस तरह से आपने ऑन किया, रन का बटन दबाया, ये मशीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इमरजेंसी बटन है, ये हम इमरजेंसी के केस में हम इस बटन को प्रेस कर सकते हैं तो मशीन स्टॉप हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे सारे बैग्स रख दिए हैं, ये हमारे डब्लू कट का हमने यहाँ पे डाई लगाया है, ये हमारी पंचिंग मशीन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। अब ये सारे हमारे बैग्स हैं, अभी यहाँ से मैं मशीन इसको स्टार्ट कर रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं डब्लू कट का यहाँ पे इसमें बैग बन के तैयार हो गया है। ये हमारे डब्लू कट बैग है, जो बाकी इसकी फिनिशिंग जो थी वो तो आपकी मैंने उस मशीन में दिखाई दी थी आपको, बाकी इस मशीन के थ्रू जो है वो आपका डब्लू कट बन गया। अगर आपको यू कट के बैग बनाने सेम ऐसा आप यू कट का डाई इसमें लगा सकते हैं और यू कट का डाई लगाकर आप इसमें यू कट की कटिंग जो है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने पूरी मशीन आपको वर्किंग यानी कि चला के दिखाया पूरा प्रोसेस कि कैसे इस मशीन में क्या क्या कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, तो आगे की बात बताएंगे। तो ये जैसा कि आपने देखा कि इसमें डब्लू कट बैग बन के निकला है, ये हमारा डब्लू कट का है साइड गजेट बैग जिसको बोलते हैं हम, तो ये डब्लू कट बैग बन गया। अभी ऊपर से ही हमारा डब्लू कट की इसमें पंचिंग नहीं हुई है, अब हम पंचिंग मशीन के थ्रू इसमें डब्लू कट का कटिंग करते हैं। तो आइए मैं आपको पंचिंग मशीन इसमें और कौन कौन सी बैग बनती है। इसमें आपका डी कट बैग भी बनता है, यू कट बैग, डब्लू कट बैग, शू बैग, हर तरह के बैग जो होते हैं हमारे सब इसमें बन जाते हैं। अगर आपको डी कट बैग बनाना तो उसकी ऑनलाइन कटिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको डी कट पंचिंग का यूनिट दिखाया था मैंने उसमें आपको, और अगर आप डब्लू कट या यू कट इस तरह के बैग्स अगर आप बनाते हैं तो इसकी पंचिंग यूनिट जो होती है मतलब जो पंचिंग इसका जो पार्ट होता है वो आपकी दूसरी मशीन होती है, उसके थ्रू आप पंचिंग करते हैं। बाकी मशीन से आपका ये पूरा जो बैग होता है साइड गजेट का, सीलिंग का, जो भी आपका प्रोसेस होता है वो सब आपसे आपका जो है पंचिंग इस मशीन के थ्रू बनके निकलता है। और अगर हम बात करें साइजेस की तो इसमें कौन कौन सी साइजेस की बैग बन जाती है। हर साइज का इसमें बैग आपका जिस भी साइज का बनाना चाहे हर साइज का बन जाता है इसमें आपको, जैसे मैंने पैनल पे आपको सेटिंग दिखाई थी, सेटिंग आप उसमें करते हैं कि किस साइज का आपको बनाना है, उस पैनल के थ्रू जो है वो आप अपना कोई भी साइज सेट कर सकते हैं, उस साइज के अकॉर्डिंग आप अपना रोल सेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी साइज का इसमें बैग बन जाता है। अच्छा मैम ये बताइए जैसे कि अगर कोई कहीं से भी आता है इंडिया में इस मशीन को बाय करने के लिए तो उसी सी बात है उसे मशीन को चलाना नहीं आता होगा, हालांकि वीडियो में आपने दिखाया बट वो लोग इतना नहीं समझ पाएंगे कैसे मशीन को वर्क करना है, तो आपकी कंपनी क्या फैसिलिटी देती है उन लोगों को। मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वही बताया था कि मैं आपसे इस वीडियो में आफ्टर सेल सर्विस डिस्कस करूंगी। तो आफ्टर सेल सर्विस में क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास अब हमसे कस्टमर मशीन लेके जा रहे हैं तो उनको एक तो 1 साल की गारंटी 3 साल की वारंटी उनको मिलती है, उसके साथ साथ अब कस्टमर हमसे मशीन लेके जा रहे हैं, अब हमें तो नहीं पता कि मशीन कैसे चालू करनी है, वो तो एक टेक्निकल कोई पर्सन है वही उन्हीं को पता होता है अच्छे से कि इस तरह से प्रॉपरली इस तरह से मशीन चालू होगी या ये फॉल्ट आएगा तो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब मशीन हमसे परचेज करते हो तो हमारा टेक्नीशियन जाता है जो आपको पूरी सारी ट्रेनिंग देकर आते हैं, आप एक दिन में सीखना चाहो, 2 दिन में सीखना चाहो, 1 वीक में सीखना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब पूरी तरह से उनसे मशीन की सारी चीजें सीख लेते हो उसके बाद ही वो वहां से वापस आते हैं। अगर मान लीजिए वो लेने से पहले ही मशीन को चला के देखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैंने यहाँ पे जैसे बताया मशीन मैंने आपको वर्किंग में दिखाया है, तो अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं अगर वो अब जैसे मशीन के बारे में हमसे सारी डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद अगर उनको वर्किंग कंडीशन में मशीन चाहिए तो अगर उस वक्त अवेलेबल होता है तो हम आपको वर्किंग कंडीशन में भी दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी तो मैंने आपको दिखाया कि वर्किंग कंडीशन में है मशीन हमारे पास, उस वक्त भी अगर अवेलेबल होगा तो हम आपको वर्किंग कंडीशन में भी दिखा सकते हैं। अच्छा मैम ये बताइए कि अगर अभी मशीन को लेने के लिए कोई बुकिंग करता है आपसे तो डिलीवर कितने दिन में करते हैं आप लोग। अभी हमारे पास मशीन स्टॉक में है, अगर आप सेम डे आपकी डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि अभी हमारे पास सारी मशीन स्टॉक में रखी हुई है, बाकी डिपेंड करता है जब आप ये वीडियो देखते हो या जब आप प्लान करते हो मशीन लेने का तब उस वक्त हमारे पास जिस तरह से अगर स्टॉक होगा, अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है तो आपसे आपके पास जो है 7 से 10 दिन का आपको टाइम लग जाता है मशीन की डिलीवरी होने में। फिलहाल हमारे पास अभी सारी मशीन स्टॉक में रखी हुई है तो आपको सेम डे डिलीवरी हो जाएगी। और मैम ये बताइए अगर कोई मशीन लेता है तो उसके लिए कितनी जगह होनी चाहिए, क्या लाइट का प्रोसेस है, इसकी क्या मतलब कॉन्फ़िगरेशन है रखने के लिए। मैं आपको सारी चीज बता देती हूँ, आपका जो ये मशीन है वो आपको जैसा कि आपने पूरी मशीन आपको देख ली, मैं बाद में भी आपको एक सारा पूरी मशीन का आपको एक शॉट दे दूंगी। मशीन का क्या होता है कि आपकी जो इसकी लेंथ है वो 22 फीट की लेंथ है इसकी, हाइट और विड्थ की बात करूं तो दोनों 7-7 फीट की है, बट अगर आपका जैसे ये आपने मशीन देखी है आपकी जो मशीन है वो आई शेप में रखी हुई है मतलब लंबाई में रखी हुई है, अगर आपका लंबाई में एरिया इतना नहीं है तो आप इस मशीन को एल शेप में भी लगा सकते हो। दूसरी चीज आपका क्या है कि जो मशीन आपका अगर आप जैसे पूरी मशीन को रख रहे हो, इसके साथ आप रॉ मटेरियल भी रख रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट्स भी रख रहे हो, तो आपको अगर 800 से 1000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है तो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि उसमें आप मशीन भी रख लोगे, अपने रॉ मटेरियल भी रख लोगे, फिनिश प्रोडक्ट्स भी रख लोगे, बट अगर आपके पास इतना एरिया अवेलेबल नहीं है तो अगर थोड़ा भी है तो आप अपने रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है अपना एरिया अपना डिसाइड कर सकते हो। बाकी मशीन का जो भी डायमेंशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अगर हम इसकी रॉ मटेरियल की बात करें तो मशीन अगर आपसे कोई बाय करता है, मान लीजिए काफी दूर बाय करता है दिल्ली से, तो रॉ मटेरियल का क्या सुविधा है, आपके यहाँ से लेना पड़ेगा या फिर आसपास से? देखिए हमारे पास क्या है कि कई जगह पे हमारे जो है ब्रांचेस हैं, कई जगह पे हमारे जो है वो कस्टमर सपोर्ट्स हैं हमारे रॉ मटेरियल के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। तो अगर आप कहीं से भी मशीन परचेज, देखो मशीन का क्या होता है कि मशीन तो आप कहीं से भी परचेज कर लोगे, बट बात आती है रॉ मटेरियल की, सर्विस की। मेन कस्टमर्स जो डरते हैं वो इसीलिए डरते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सर्विस कहाँ से मिलेगी। तो आप मशीन तो कहीं से भी परचेज कर लोगे बट रॉ मटेरियल और सर्विस जो होता है आप कहीं से भी हो, क्योंकि हमारा हर जगह पे जैसे मैंने आपको बताया हर जगह पे हमारे ब्रांचेस हैं, हर जगह पे हमारे कस्टमर सपोर्ट्स हैं,
तो उसमें आप उसके थ्रू जो है आपको रॉ मटेरियल कहीं से भी, बस आपको एक कॉल करना है, जैसे आप मशीन परचेज करते हो आपका जो भी एरिया के आसपास जो भी हमारा वहाँ पे सर्विस सेंटर है वहाँ का आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आप कॉल करके अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपको टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है वो आप अपना कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और मैम ये बताइए जैसे कि इतनी काफी जो है बड़ी मशीन है तो उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होगी, तो अगर नॉर्मली कोई बंदा इसको लेना चाहे तो क्या लोन वगैरह या फिर और कुछ फैसिलिटी है आपके पास? हाँ देखिए, मशीन की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो अप्रोक्स इसकी कॉस्टिंग जो है वो 11.5 लाख की अभी इसका रेट चल रहा है, बाकी आपका रेट जो है वो वेरी करता रहता है क्योंकि अब जैसे अगर आपका डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम हो गया मशीन की, स्टॉक इतनी नहीं होती है तो रेट आपके कई बार हाई भी हो जाते हैं, आपके अभी फेस्टिवल्स जैसे आ रहे हैं तो रेट आपके कई बार इसमें जो है वो कम भी हो जाते हैं, तो रेट तो आपको एक मैंने आइडिया आपको दे दिया अराउंड जो है अप्रोक्स इसका 11.5 लाख की मशीन आती है। और जैसा कि आपने क्वेश्चन अभी से किया कि बैंकिंग लोन का या कोई इस चीज की तरह की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, तो हम आपको बैंक कोटेशंस, अगर आप बैंक में लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक अपने जो बैंक से हैं उनसे बात कर सकते हैं आप अपने, बाकी हम आपको बैंक कोटेशंस वगैरह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, पूरी चीज डिटेल्स हम आपको जो भी हेल्प हो सकता है हमारी एंड से वो हम आपको सारी चीज प्रोवाइड कराते हैं। बाकी एक बार अपना जो भी है, जो भी किस कितना लोन आपको चाहिए, क्या चाहिए, कितना लोन आपको बैंक दे सकते, ये सारी चीज आप एक बार अपने बैंक से बात कर ले सकते हैं। तो मैम धन्यवाद आपका इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो में, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है इस मशीन को बाय करने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको सिर्फ उसे व्हाट्सअप करना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस भी मिल जाएगा, आप आके विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।